गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कल का देश देशांतर का आर्टिकल है जिसमें वैक्सीनेशन 5 ग्रुप में भारत शामिल हो गया है, डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर में जो आर्टिकल आया है वो स्टार्टअप इंडिया के बारे में, जिसको परसों ही हमने डिस्कस किया था, सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, केवड़िया। ये केवड़िया कहाँ है आपको पता है? गुजरात में है। रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन जिसे शुरुआत से ग्रीन बिल्डिंग के रूप में सर्टिफिकेशन मिला है। ग्रीन बिल्डिंग के रूप में सर्टिफिकेशन मिलने वाला पहला स्टेशन केवड़िया है। छोटा सा टर्म है, आप जोर ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो जो वैक्सीनेशन 5 ग्रुप में जो भारत शामिल हो गया है, इसमें पहले तो कौन कौन सा है? USA है, UK है, रूस है, चाइना है, इंडिया है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 स्टेट। अब यहाँ पर क्या है कि टीकाकरण बहुत सालों से जाना गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी क्षमता नहीं थी कि ऐसी बीमारी आने पर तुरंत टीका जल्दी डेवलप किया जा सके। देखो, डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, जो वैक्सीन जाता है वो 60% तक भारत बनाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग एंड नया वैक्सीन बनाने वाला जो है, सो भारत ने भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। व्यापक स्तर पर नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से सिचुएशन आया है, उस तरह से अगर 20 साल पहले हम हेल्थ की बात भारत खुद करें तो बहुत पीछे था, लेकिन अभी हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में आप जानते हो बढ़ता जा रहा है। हम फार्मास्यूटिकल्स में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब दूसरे देश भी टकटकी लगाकर हमें देख रहे हैं, जैसे हमारा देश, पड़ोसी देश नेपाल हो गया। अफ्रीका तो बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि ये लिस्ट डेवलप कंट्री में आता है, तो इन सब को हमसे फ़ायदा हो सकता है। देखो, फाइजर जैसी कंपनी जो वैक्सीन बनाई है उसको -270 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। अब हमारे यहाँ ऐसा टेम्परेचर है नहीं, याद करो आप, 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस हमारे कोवैक्सीन को चाहिए। अब देखो, ब्राज़ील ने कुछ जोर चाइना से लिया वैक्सीन, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, तो वो भी जो है सो भारत से अभी डेलीगेशन आया है। नेपाल से भी कुछ डेलीगेशन भारत आया है, तो मेन यही बात उन पे होगी वैक्सीन के बारे में। और दूसरा, हमारे जो भारत का कॉन्सेप्ट है पौराणिक प्राचीन काल से, वसुंधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। जैसे जब कोरोना आया था तो USA को हाइड्रोक्लोरोक्वीन की ज़रूरत थी, तो हमने हालांकि शुरू में रोका, लेकिन फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया। फार्मास्यूटिकल्स की बात हो, फार्मास्यूटिकल्स की बात हो, चाहे और भी पैरासीटामोल की बात हो, PPT मास्क की बात हो, चाहे यहाँ पर आप कहो मास्क वगैरह और भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें थी। देखो, 2001 में HIV आया था जिससे 2 करोड़ लोग अफ्रीका में बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस समय $10,000 में एक थी एक दवाई जो आती थी। भारत ने $500 तक कम किया, मतलब भारत ने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। हमारी विश्वसनीयता कब बढ़ेगी? रिलायबल पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर में नए ऑर्डर में कैसे आएंगे? देखो, 2-4 बातें हैं। लॉजिस्टिक अच्छा करना होगा, क्वालिटी अच्छी करनी होगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा करना होगा, पैकेजिंग अच्छी करनी होगी, लुक अपीयरेंस पे ध्यान देना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की? विश्वास की। अभी देखो, WHO पर भी विश्वसनीयता का सवाल उठता है, विश्वसनीयता का, ट्रस्ट का। कैसे? वुहान से जब आया था तो उसने प्रेशर ही नहीं डाला चाइना को कि आप मानो आपके यहाँ से आया था, तो उस समय बहुत सारे डिबेट हुए थे। विश्व को एक साथ चलना होगा, जॉइंटली। देखो, मेनली क्या है, जॉइंटली होके तो चलना ही होगा। हेल्थ की प्राथमिकता समझना होगा कि हेल्थ कितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, मानव जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।